हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही जबरदस्ती स्किन केयर रूटीन। हमारी स्किन का कोई भी कलर हो, कोई भी टेक्सचर हो, उसे केयर की जरूरत होती है। बहुत ही रेयर स्किन टाइप ऐसी होती होंगी जिनको केयर किए बगैर ग्लो मिल जाता होगा, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अवॉइड करते हैं कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स बाहर के लेने के लिए। तो आज मैं आप लोगों को घर पर बनी हुई ऐसी स्किन केयर रूटीन बताऊंगी जो कि आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हेल्दी बनाएगी, आपकी स्किन को बहुत अच्छा सा नेचुरल ग्लो देगी, साथ ही ब्लेमिशेस जितने भी हैं आपके फेस पर, या फिर फ्रैकल्स हो गए हैं, या डार्क स्पॉट्स हैं, डार्क सर्कल्स का इशू है, कोई भी स्किन रिलेटेड आपको इशू हो रहा है, तो ये अगर आपने स्किन केयर रिजीम फॉलो कर ली 1 वीक रेगुलर बेसिस पर, तो आपको तमाम की तमाम आपकी फेस प्रॉब्लम से कम्प्लीटली निजात मिल जाएगी और ऑर्गेनिकली मिलेगी। इसमें ना ही कोई केमिकल यूज किया गया है, सिर्फ और सिर्फ 8 इन्ग्रीडियंट से आज हम लोग अपनी स्किन केयर रूटीन को स्टार्ट करने वाली है। वो एक इंग्रेडिएंट है पोटैटो, यानी कि आलू। पोटैटो जो है फुल ऑफ लोडेड होता है मिनरल्स, विटामिंस, एंटीऑक्सीडेंट्स। तो जिस तरह से तमाम की तमाम स्किन केयर रूटीन्स होती हैं, जितने भी बेसिक स्टेप्स होते हैं, वो आज हम लोग इस स्किन केयर रूटीन में करने वाले हैं, क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से अपने इस रेजिम को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको स्किन केयर रूटीन, हेयर केयर रूटीन जो कि होती हैं आपकी ब्यूटी से रिलेटेड। तो ज्वाइन कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। तो चलते हैं अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ। फर्स्ट स्टेप में हम लोग करने वाले हैं क्लेंजिंग। तो किसी भी रूटीन को फॉलो करने के लिए क्लेंजिंग जो है एक बेसिक स्टेप है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसको हम लोग कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि क्लेंजिंग ही एक ऐसा स्टेप है जिससे बाकी स्टेप्स की शुरुआत की जाती है। अगर आपने अपने फेस की क्लीनिंग ठीक से नहीं की होगी तो आपके क्लॉग ओपन रहेंगे, और ओपन रहने की वजह से आपके चेहरे पर ग्लो नहीं आ पाएगा, और ग्लो नहीं आ पाएगा तो आपकी स्किन जो है वो डल डल लगेगी। तो बेहतर यही है कि आप क्लेंजिंग जो है वो बहुत अच्छे से करें। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही नेचुरल, बहुत ही ऑर्गेनिक क्लेंजर बनाना बताऊंगी जो कि आप नेचुरल तरीके से अपने फेस के लिए यूज कर सकते हैं। तो जल्दी से इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको लेना होगा 1 अदद आलू और 1 अदद ककुम्बर, दोनों को पील ऑफ कर लेना है और इनको ब्लेंडर में ब्लेंड करके इनका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनकर तैयार हो जाए तो आपने पेस्ट के अंदर 1 चम्मच बेकिंग सोडा ऐड करना है और इसको अच्छे से मिक्स करके अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है। चाहो तो आप इसको कॉटन पैड की हेल्प से अपने पूरे फेस पर अप्लाई करो, चाहे तो आप इसका मसाज भी कर सकते हैं। 2 मिनट से ज्यादा आपने इसका मसाज नहीं करना है। अच्छे से जब आपके फेस की क्लेंजिंग हो जाए तो आपने नॉर्मल डाइवर्टर से अपने फेस को वॉश कर लेना है। पोटैटो और ककुम्बर में इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे फेस को क्लीन अप करने के लिए, ये हमारे फेस को तकरीबन कम्प्लीटली क्लीन अप कर देगा, फर्दर स्टेप्स के लिए प्रिपेयर कर देगा, जो हमारे क्लॉग पोर्स होंगे उनको रहने नहीं देगा हमारे फेस पर। साथ ही साथ ये हमारे डार्क सर्कल्स को भी बहुत अच्छे से वाइप आउट करता है, और जितनी भी अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम होती है उसको भी मिनिमाइज करता है। सेकेंड स्टेप है टोनिंग। तो जिस तरह से क्लेंजिंग हमारे फेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, इसी तरह से फेस को टोनिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्लेंजर जो है हमारे फेस पर एकदम से ग्लो तो लेकर आ जाता है, लेकिन क्लेंजिंग करने से हमारे पोर्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो टोनिंग बेसिकली करता क्या है, टोनिंग जो है हमारे स्किन के जो ओपन पोर्स होते हैं उनको श्रिंक करता है, उनको टाइट करता है। और गाइस, जो मार्केट में टोनर मिलते हैं ना, वो अल्कोहलिक होते हैं, जो कि हमारी स्किन को स्लोली स्लोली जो है वो डल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो मैं आप लोगों को टोनर बताऊंगी ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, बहुत ही आसानी से हम लोग इसको घर पर ही बना लेंगे। इसके लिए आपको चाहिए 1 आलू और 1 लेमन, और साथ ही आपको चाहिए रोज वाटर। आपने क्या करना है, एक
आलू को ग्रेट कर उसका जूस अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर लेना है। 3 से 4 चम्मच जूस जो है वो इनफ होगा। साथ ही आपने 1 चम्मच लेना है रोज वाटर का और 1 ही चम्मच लेना है लेमन जूस का। अगर लेमन सूट नहीं करता तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अब आपने इसका टोनर बनाकर एक स्प्रे बॉटल में डाल देना है और वक्तन बवक्तन इसको अपने फेस पर लगाते रहना है। जरूरी नहीं है कि आपने इसको किसी पर्टिकुलर टाइम पर लगाना है। क्लिंजिंग के बाद तो इसको लगाना ही लगाना है, लेकिन आपने इसको वैसे ही डेली ही जो है बहुत ज्यादा अपने फेस पर अप्लाई करना है। एक तो ये ऑयल नहीं आने देगा आपके फेस पर, दूसरा आपके फेस को हाइड्रेट रखेगा, आपके फेस के जितने भी डार्क सर्कल्स, ब्लेमिशेस, पोर्स ओपन होंगे सबको मिनिमाइज करेगा। और ये एक बेहतरीन टोनर जो है बनकर हमारे पास तैयार है। आप इसको 3 से 4 दिन रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके भी रख सकते हो। ये बहुत ही बेहतरीन टोनर है, बहुत ही ज्यादा इसके आपको बेनिफिट्स हासिल होंगे। थर्ड स्टेप में हम लोग बनाने वाले हैं मॉइस्चराइजिंग क्रीम। गाइस, जब हम लोग टोनिंग करते हैं ना अपने फेस की, तो जितना भी हमारे फेस का जो ऑयल होता है वो टोनर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हमारा फेस काफी ड्राई ड्राई हो जाता है। थोड़ी बहुत ड्राइनेस तो आ ही जाती है, तो उस ड्राइनेस को खत्म करने के लिए हमें करना पड़ता है अपने फेस को मॉइस्चराइज। तो मैं आज आपको पोटैटो मॉइस्चराइजर, पोटैटो क्रीम बनाना बताऊंगी, जो कि आप अपनी स्किन केयर रूटीन से हट कर भी नॉर्मली भी यूज कर सकते हो। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है और इसके रिजल्ट्स जो है विद इन अ वीक आपको बहुत जबरदस्त मिलने वाले हैं। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इस क्रीम को बनाने के लिए आपको चाहिए होगा एक बॉइल्ड पोटैटो। एक पोटैटो लेना है, उसके छिलके उतार लेने हैं और उसको अच्छे से बॉइल करके मैश कर लेना है। मैश पोटैटो के अंदर आपने चुटकी सी हल्दी डालनी है, 1 चम्मच एलोवेरा जेल डालनी है, 1 ही चम्मच आपने विटामिन ई कैप्सूल डालना है और इसको किसी ब्लेंडर की हेल्प से या फिर स्पून की हेल्प से आप अच्छे से मिक्स कर लोगे। थोड़ा सा थिक होगा। इसको डाइल्यूट करने के लिए आपको कच्चा दूध डालना है। दूध जो है आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे लगे कि ये क्रीमी कंसिस्टेंसी में आ गई है, उतना आपने इसके अंदर दूध ऐड करना है। इसको अच्छे से मिक्स करना है, किसी भी क्रीम की बोतल में निकाल कर इसको 5-6 घंटे के लिए फ्रिज में आपने स्टोर कर देना है। 5-6 घंटे बाद आपकी एक प्रॉपर पोटैटो क्रीम जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। को बता दूं इसको आपने यूज किस तरह से करना है। फ्रेंड्स, आप इसको डेली बेसिस से हटकर नॉर्मल रूटीन में एज अ नाइट क्रीम या फिर डे क्रीम भी यूज कर सकते हो। इसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इसमें जो हम लोगों ने इंग्रेडिएंट्स शामिल किए हैं वो हमारे फेस को बहुत ही अच्छा सा ग्लो देने वाले हैं। साथ ही साथ अगर हमारे फेस पर टैनिंग हो गई है या किसी भी किस्म के दाग धब्बे हैं हमारे फेस पर, उन सबको कंट्रोल करेगा, हमारी स्किन को ड्राई नहीं होने देगा। बहुत ही बेहतरीन मॉइस्चराइजर है ना। आप इसको अपनी स्किन पर, अपने फेस पर यूज कर सकते हो, बल्कि अपनी नेक पर, अपने हैंड्स एंड फीट पर, ओवरऑल बॉडी पर भी इसको यूज कर सकते हो। इसको लगाने का तरीका वही नॉर्मल क्रीम्स की तरह है। जिस तरह से आप नॉर्मल क्रीम लगाते हो उसी तरह से आपने इसको लेना है, अपने फेस पर इसको अच्छे से टैप करना है। जब ये कम्प्लीटली ऑब्जर्व हो जाए आपने इसको छोड़ देना है। अगर ये स्किन केयर रूटीन आप लोग 1 वीक रिलीजियसली फॉलो कर लेते हो ना, तो गाइस आपको इसके बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। ग्लो आपके चेहरे पर आपको बिल्कुल खुद नजर आना शुरू हो जाएगा। 1 से 2 अटेम्प्ट में आपका ग्लो जो है वो नजर आना आपको शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ आपकी स्किन बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगी और आपकी स्किन से जितने भी दाग धब्बे हैं वो ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो जाएंगे, अगर आप इसको प्रॉपरली रिलीजियसली फॉलो करते हो तो। ये जितने भी मैंने आपको रेमेडीज बताई हैं, टोनर, मॉइस्चराइजर या फिर क्लिंजर, इनको आप 3 दिन से ज्यादा स्टोर करके नहीं रख सकते हो। 3रे दिन आपको न्यू बनाना पड़ेगा। आई होप कि आप लोगों को ये स्किन केयर रेजीम अच्छी लगी होगी। आप लोग इसको फॉलो जरूर करोगे अगर आप अपने चेहरे से, अपनी ब्यूटी से प्यार करते हो। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अभी सब्सक्राइब कीजिएगा वरना आप लोग बिल्कुल भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना। और लाइक जरूर कर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाजिर हो जाऊंगी। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।